अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सारे अच्छे रहेंगे। चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। जो आज आप लोगों ने बहुत सुना होगा, MBA चाय वाला स्कैम, MBA चाय वाला फ्रॉड, MBA चाय वाला पनौती। तो चलिए हम लोग डेप्थ रिव्यू में जाते हैं, डेप्थ जाके देखते हैं कि है क्या एक्चुअली ये स्कैम। देखिए, हमेशा आप एक चीज याद रखिए, कोई भी स्कैम ना एक तरफ से नहीं होता। जब सामने वाला स्कैम करता है तो उसमें बहुत लोगों का हाथ रहता है, बहुत लोगों का प्लानिंग सब कुछ रहता है। तो इस बारे में डिटेली हम इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे MBA वाले का स्कैम हुआ, प्रफुल्ल बिल्लोरे की क्या गलती है, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, और फ्रेंचाइजीज जिसने भी लिया उनको क्या देखना चाहिए था, क्या नहीं देखना चाहिए था, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम प्रफुल्ल बिल्लोरे जी का थोड़े मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लेते हैं जो वो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है मैंने, यहाँ आ जाएगा, आप भी सुन लीजिए, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाए। जिंदगी आपको जानना सीखो कि आपका सुपर पावर क्या है। हर किसी में एक सुपर पावर होता है। मेरे में सुपर पावर था, किसी में फाइनेंस का सुपर पावर, किसी में टीम मैनेजमेंट का सुपर पावर, किसी को स्टॉक बहुत अच्छे से आता है, किसी को कुछ अच्छे से आता है। सो ट्राई टू फाइंड योर गोल्ड, गोल्ड आपका मणि, मणि जो होते मणि, आपकी मणि फाइंड करो, आपका सुपर पावर फाइंड करो। बातें तो बड़ी यार तगड़ी करते हैं, चलिए दूसरा सुनते हैं। ना वो पछतावे से बहुत अच्छा होता है। फियर इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉर। लड़ाई खुद से, आपके ना पड़ोसी से, ना पिताजी से, ना रिश्तेदारों से, आपकी लड़ाई खुद से। आज मैं थोड़ा बहुत भगवान ने दे रखा है, तो ये उस वो नहीं कर, ये आप हो, ये आपके सपने, मतलब ये आपकी मेहनत। प्रफुल्ल भाई, आप बिजनेस छोड़ के ना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाइए, ज्यादा आपको इस पे मिल जाएगा फॉलोअर सब कुछ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू करते हैं हम लोग डिटेल, क्या है क्या नहीं समझते हैं। देखिए, MBA चाय वाला की जो गलती है, गलती उन्होंने तो किया है, उनके साथ साथ जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने भी बिना सोचे समझे 30 लाख रुपए, 30 से 35 लाख रुपए उन्होंने एक चाय के धंधे पे लगाए, चाय के आउटलेट को, मतलब चाय के आउटलेट की फ्रेंचाइजी ली उन्होंने। छोटा सा कैलकुलेशन मैंने किया है, मेरे पर्सपेक्शन से मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब कितना इस पे मुनाफा होगा, कैसा क्या होगा। मैंने वर्कआउट किया है, उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ कहीं पे लगा दूंगा, आप देख लेना। मैं फिलहाल आपको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ से आप देख लेना। मान लीजिए एक मिल्क पैकेट 1 लीटर का 55 to 60 रुपीस में मिलता है। मान लीजिए इन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से या बल्क में लिया, तो उन्हें एक पैकेट पड़ा 50 रुपये का। ये मैं 1 लीटर दूध की बात बता रहा हूँ। 1 लीटर की दूध, उसमें 20 कप चाय बनते हैं 1 लीटर के दूध के पैकेट में, बनते तो 15 है बट पानी वानी मिला के सब करके 20 कप चाय बनती है उस पर। तो हम ब्रेकआउट करके देखेंगे एक एक लीटर का, मैं बस उनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मान लीजिए 50 रुपये एक चाय दूध की पैकेट, उस पर 5 रुपये का शुगर, गैस, वाटर 5 रुपये, बाकी अदरक बहुत सारी जो डालते हैं मसाला वसाला वो सब डाल के पकड़ लीजिए, वो 10 रुपये। तो 70 रुपीस आपको लगे 1 लीटर दूध की चाय बनाने में, जिसमें 20 कप होंगे, ठीक है। तो आप मान के चलिए 20 कप के लिए आपको लगे 70 रुपीस, आप 1 कप चाय बेच रहे हो 10 रुपये में। तो 10 रुपये में जब आप 1 कप चाय बेचते हो तो 20 कप बेचने के लिए आपको मिले उसमें 200 रुपये। ये मैं 1 लीटर की बात बोल रहा हूँ। अब मिनिमम अगर प्रफुल्ल बिल्लोरे का आउटलेट देखे, MBA चाय वाला में देखे, तो मिनिमम उन्होंने बोला कि 500 कप चाय तो ऐसे ही जाएंगे। तो मैं 500 कप का ही एस्टिमेट लेके चलता हूँ। 500 कप चाय बनाने के लिए 25 लीटर उनको लगेंगे, तो 25 x 25 लीटर x 70 कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा 1750। ये आपकी लागत है 500 लीटर चाय बनाने में, सॉरी 500 कप
चाय बनाने में आपको 1750 की लागत लगती है, ठीक है। आप पर कप 10 रुपए में बेचे तो 500 कप की चाय आपको होगी 5000, कस्टमर आपको देगा 5000, उसमें से आपकी लागत है 1750, जिसमें से आपका बचा 3250 रुपए, आपका पर डे बच गया अगर आप 500 कप चाय बेचते हो तो। ये सारा ब्रेकआउट स्क्रीनशॉट पे आप देख लेना, मैं लगा के रखूंगा थ्रू आउट द वीडियो। तो मान लीजिए एक स्टोर या फ्रेंचाइजी 500 कप चाय बेचता है तो ही और शी विल मेक ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹3,250। मंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं अब हम। जब आप 5000 का धंधा किए, 500 कप चाय बेचे, तो आपके बचे 3250 दिन के, इंटू 30 कीजिए आप, 3250 इंटू 30 जब आप करते हो तो आपके बनते 97,500। ये आपका एक महीना का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी लागत छोड़ के। अगर आप 5000 रुपये बेचो, 1.5 लाख रुपये आपका होगा महीने का, 1.5 लाख में से आप 52,500 आपका लागत छोड़ दीजिए। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट आ गया आपका 97,500। दो स्टाफ तो आपको रखना ही पड़ेगा, एक जो कस्टमर को सर्व करे और एक स्टाफ जो उसका मतलब उस, अब दो बिना दो स्टाफ के तो कोई स्टोर चलेगा नहीं, बड़ा स्टोर अगर आप करते हो, क्लीनिंग है, स्टाफ का मतलब डिटेल्स लेना, स्टाफ को सर्व करना, सब चीज़ों के लिए दो स्टाफ लगते हैं। एक स्टाफ को मिनिमम आपको 10,000 देना पड़ेगा, तो महीने में 20,000 रुपये आपके स्टाफ के चले गए, 97,500 में से 20,000 काट दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी आपका चाय दुकान में AC लगाओगे आप, CFL लाइट्स लगाओगे, LED लाइट्स लगाओगे, बोर्ड लाइट है, बहुत सारे खर्चे हैं, उसका एक 20,000 आप पकड़ लीजिए। रेंट, स्टोर का तो रेंट आपको देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि 50 square foot 100 square foot में हो जाएगा, मिनिमम 300 से 500 square foot लगेगा मेन एरिया में। जब आप मेन एरिया में करते हो तो महीने का 30,000 रेंट ही आपको जाएगा। फिर आपका EMI, जो आप 30-35 लाख रुपये लोन पे ले रहोगे, उसकी EMI बनती है आपको देने में, उसका 10% लेके चलिए आप महीने का, 30 लाख का 10%, वो आपका आ गया 30,000 रुपये। उस पर इंटरेस्ट विंटरेस्ट बैंक का सब मिलके मिनिमम, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे रहेगा, मिनिमम मैक्स ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, 30,000 रुपये आपका रेंट आ गया, सॉरी EMI और लोन आ गया 30,000 रुपये। अदर एक्सपेंसेस, वाईफाई बिल हो गया, फोन बिल हो गया, पेपर रोल, प्लेट्स, कप प्लेट्स के, कप्स के, सब मिला के आप एक 10,000 रुपये डाल दीजिए। फिर आपकी सेल्फ सैलरी, खुद की तो सेल्फ सैलरी आप लोगे ना, दिन भर तो ऐसे ही नहीं आप लेके जाओगे, घर के लिए कुछ सामान वामान लेना, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। सेल्फ सैलरी आप मिनिमम पकड़ लीजिए 15,000, दिन के 500 रुपये, 15,000 आप ले लिए। अगर आप 1.5 लाख का सेल करते हो सिर्फ चाय का, दिन को 500 कप बेचते हो, 5,000 रुपये का गल्ला करते हो, तो भी आप -22,500 रहेगा आपका। बिजनेस मॉडल ये कैसे हो गया मुझे बताइए आप। जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं जिन्होंने प्रफुल्ल भाई से फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, बताइए बिजनेस मॉडल कैसे हो गया, कैसे बिजनेस मॉडल सक्सेस होगा। अगर ये सेल आपका 5,000 की जगह 10,000 हुआ पर डे, मतलब आप अगर पर डे 1,000 कप चाय बेचोगे 10 रुपए के हिसाब से, तब जाके आप मे बी नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे। भाई लोगों की यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देख के धंधा अगर इतना आसान होता तो हर कोई धंधा कर लेता। सो वीडियो का माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लोगों के वीडियोस, लोगों के स्टोरीज, लोगों की बनावटी देख के आप जज मत कीजिए। किसी पे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है इंसान में, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए समझिए, 10 बार सोचिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। और रही बात
अपने MBA चाय वाला भैया की, अभी भी आप चाहो तो बहुत कुछ चीज़ें सुधार सकते हो, आपकी बहुत बड़ी टीम है, डिस्कस कीजिए, सुधारिए। जो लोग 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए लोन लेके आए हैं, किसी से इंटरेस्ट में लेके आए हैं, मदद कीजिए उनकी, कुछ रास्ता निकालिए जिससे वो लोग एटलीस्ट निकल पाए सब चीज़ों से। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के द्वारा जो स्कैम्स होते हैं, जो और जिस हिसाब से लोग अपनी जनता को, अपने फॉलोअर्स को, सबको फैमिली बोलते हैं बट उनके साथ धोखा करते हैं, इसके ऊपर मेरी अगली वीडियो आने वाली है। सो मेरे हिसाब से MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी बेकार है भाई, बेकार है, मत लीजिए, फंसिए मत। अगर आपको समझ में आता है तो लीजिए। कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो गया प्रफुल्ल बिल्लोरे भाई का और फ्रेंचाइजी ओनर्स का, जिसके वजह से उन्होंने उनको ये लॉस लेना पड़ा है। होप एवरीथिंग एंड्स विद अ हैप्पी नोट। बाकी MBA चाय वाला भैया हो या बीटेक पानी पूरी वाली हो, एक जगह पे आप अपना धंधा कर सकते हो, फ्रेंचाइजीज बांट के नहीं होने वाला धंधा, ये सब एक बबल होता है। जब तक है बबल तब तक शेड्स ऑफ कलर्स देखेंगे उसमें, बट जब बबल थोड़ा सा भी कहीं से भी एक छोटा सा लीक हुआ ना तो बबल ब्लास्ट हो जाता है। सो मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, और MBA चाय वाला भैया आप भी काफ़ी मेहनत करके ऊपर बढ़े हो, चाहे आप कौन से तरीके से भी किए हो, बट मेहनत आपने किया है। चलिए मैं वीडियो अपना यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद।